हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हीलिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल। और मेरा नाम सोनी है। फ्रेंड्स, आज इस हफ्ते की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बिकॉज इस हफ्ते की रीडिंग बेस है कि हमारी लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस चल रहे हैं उनके लिए सोल्यूशन क्या है, हमें कौन से सोल्यूशन या गाइडेंस की ज़रूरत है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीक रीडिंग। एंड आज मैंने आपको रीडिंग में 3 कार्ड्स एज अ ऑप्शन दिए। दिस इज़ ऑप्शन 1, सरेंडर टू स्प्रिट। दिस इज़ ऑप्शन 2, सरेंडर स्ट्रेस। और दिस इज़ ऑप्शन 3, सरेंडर टू प्रेयर। सो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेलेक्ट ऑप्शन 1, 2, 3। आपने तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और जो भी आपका ऑप्शन है इस बेस पर मैं आपकी इस हफ्ते की रीडिंग करूँगी। सो मैं आपको पास से आपके सारे ऑप्शन दिखा देती हूँ। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है, सरेंडर टू स्प्रिट। और यहाँ पे आपको सिंपल मैसेज आ रहा है कि आपने अपना जो भी काम कर लिया है, वंस यू डन ऑल योर वर्क, जब भी आप अपना काम कर लेंगे, यू हैव टू बी अचीव योर गोल। आप अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे और अपनी सिचुएशन को डिवाइन के हवाले छोड़ देना। सी डिवाइन एनर्जी, सो आपने अपने सिचुएशन को डिवाइन के हवाले छोड़ देना, डिवाइन को दे देना है, एंड डिवाइन विल डू द मैजिक फॉर यू। एंड दोज हु सेलेक्ट द सरेंडर स्ट्रेस मीन्स आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रेस चल रहा है, जो भी स्ट्रेस का रीज़न है या जो भी सिचुएशन है जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आपने उस स्ट्रेस को लेट गो कर देना है। मीन्स अब आपने उसे अपने आप से पूरा का पूरा ख़त्म कर देना है, सो दैट आप दोबारा से वो पावर, वो एनर्जी को अपनी लाइफ में रीबिल्ड कर पाएँ और एक न्यू शुरुआत कर पाएँ, एक नई शुरुआत। एंड दिस इज़ द ऑप्शन 3, सरेंडर टू प्रेयर्स। सो बेसिकली आपने अपने आप को, आपके जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, जिन पर भी आपका विश्वास है, जो भी आपके गॉड गॉडेस और आर्कएंजल्स हैं, उनसे आपने प्रेयर करनी है। और कैसे करनी है? आपने प्रेयर करनी है दिल से, सिर्फ कहने के लिए या मुंह से नहीं बोलना है, दिल से आपने उनको कॉल करना है, दिल से उनके साथ कनेक्ट होना है अपने हार्ट से। एंड यू विल सी कि यस, यूनिवर्स एंड डिवाइन आपकी प्रेयर का आंसर ज़रूर करेगा, और जो भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है वो सारा का सारा सपोर्ट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। सो वंस अगेन आई टेल, दिस इज़ ऑप्शन 1, 2, 3। और इन केस अगर आप सब कंफ्यूज है कि हमें कौन सा ऑप्शन लेना है, जस्ट मेक अ 3 डिफरेंट चिट, राइट 1, 2, 3, कोई भी एक चिट आप पिक कर लीजिए, वट एवर द चिट विल बी कम, इट्स योर ऑप्शन। सो चलिए भगवान श्री गणेश का नाम लेकर आज इस हफ्ते की हम रीडिंग शुरू करते हैं। भगवान श्री गणेश सबके लाइफ में मंगल में लेकर आए और सबके सारे के सारे विघ्न दूर हो। सो वेलकम पाइल 1, जिस आप सब में से जिसने भी सरेंडर टू स्प्रिट किया है, अब मैं आप सबके लिए कार्ड्स खोलूंगी। सो दीज आर बेसिकली एंजल विजडम कार्ड्स, साथ में गाइडेंस कार्ड एंड आपके लिए प्रेयर्स। सो दीज आर आर्कएंजल्स कार्ड, लेट्स सी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो गाइज, आपका जो फर्स्ट कार्ड आया है एंड यहाँ पे जो मुझे आप सबके लिए गाइडेंस मिल रही है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है, बिकॉज यहाँ पे आंसर आ रहा है डेट आपका जो भी सिनेरियो चल रहा है लाइफ में, उसके लिए आप सबको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। मीन्स आपने जो भी सिचुएशन है, हो सकता है आप में से कुछ को लग रहा हो कि अभी आप लोग बहुत पावरफुल है, सो माइट बी यू कैन हैंडल दैट सिचुएशन वेरी इजिली, या सब कुछ आसानी से हो जाएगा, बट नो, डिवाइन यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली मैसेज दे रहा है कि यस, आपको सक्सेस तो मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन अगर आप वो सक्सेस और जल्दी चाहते हैं या चाहते हैं कि वो टाइमली आप तक आ जाए, तो उसके लिए आप सबको ग्राउंडेड रहने की बहुत ज़रूरत है। आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, चाहे प्रॉस्पेरिटी हो, आपको सब कुछ अपनी लाइफ में मिलेगा, एवरीथिंग यू विल गेट, और सब चीज़ें आपकी लाइफ में जो आएगी वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से आएगी। मीन्स खूबसूरती के साथ आएगी, ऐसा नहीं कि चीज़ें आई और आप उसको इंजॉय ना कर पाए।
सो वट एवर द सिनेरियो और सिचुएशन, अगर आप उसको समझ लेते हैं और अपने उसके आगे सरेंडर कर देते हैं कि ठीक है, मैंने अब डिवाइन को, मैंने अपने स्पिरिट्स को सरेंडर कर दिया है, नाउ यू विल टेक केयर. तो आपने अपने आप को बर्डन में नहीं लेकर आना है, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए. जस्ट लीव एवरी थिंग टू स्प्रिट्स को भेज दीजिए, अपने गॉड गॉडेस आर्क एंजल्स को सब कुछ दे दीजिए, एंड दे विल टेक केयर ऑफ ऑल योर सिचुएशन. एंड योर नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ पेंटकल आया है. सो यहाँ पे देखिए टाइम दिखाई दे रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं अभी आप सब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जॉब में अपने या अपने लाइफ के जो सिनारियोज है, सिचुएशंस है, उनमें फंसे हुए हैं. तो जगलिंग भी चल रही है कि कैसे मैनेज करें घर के काम, ऑफिस के काम, अदर्स जॉब्स किस तरह मैनेज करें, अभी समझ में नहीं आ रहा. और ये भी एक रीज़न है कि जो सिनारियो चल रहा है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, और उसके कारण भी कहीं ना कहीं आप सबके माइंड में स्ट्रेस आ रहा है. हंसना तो एकदम ही भूल गए हैं, लेकिन स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा आता जा रहा है. सो प्लीज़ जगलिंग को बंद करिए, अपने सिनारियो और सिचुएशन को ना जस्ट डिवाइन के हवाले कर दीजिए. जैसे जब हम कभी खुद कुछ काम नहीं कर पाते ना, और अगर उस काम के लिए हम डिवाइन की हेल्प लेते हैं, तो हमारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं. इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊँगी कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं और वो कोई काम नहीं कर पाते, तो आप ही की हेल्प मांगते हैं ना कि प्लीज़ आप आके हेल्प करिए. ठीक इसी तरह आप कौन है, आप डिवाइन के बच्चे हैं, तो प्लीज़ उनकी हेल्प मांगिए. देखिए किस तरह से अब आप खड़े हुए हैं, एक तो इतना तूफान बचा हुआ है लाइफ में, और ऊपर से बोट के ऊपर जिस खड़े, वो भी रस्सी पे. मीन्स आपके जो सिनारियोज है, सरकमस्टांसेस है, यहाँ पे ये कार्ड मुझे बहुत क्लियरली मैसेज दे रहा है कि वो बिल्कुल भी इजी नहीं है. यस, आपने बहुत अच्छे से आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे स्ट्रेस तो आ ही रहा है. मैं फिर से बोलूँगी, प्लीज़ इस स्ट्रेस को कट करिए और अपने आप को डिवाइन के हवाले कर दीजिए. And here come, wow, कितना अच्छा मैसेज आया है. यहाँ पर भी देखिए, अभी हमने फर्स्ट कार्ड में ही ग्राउंडेड की बात की थी कि जो भी सिनारियो है, जो भी सिचुएशन है, ग्राउंडेड कीजिए. सरेंडर टू स्प्रिट में भी इतना ब्यूटिफुल नेचर आया था, और यहाँ पर भी नेचर की एनर्जी ही आ रही है. सी यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपने जो भी सिनारियो है, सिचुएशन है, अगर आप इसको डिवाइन के हवाले कर देते हैं, और आप में से शायद बहुतों ने तो शायद कर भी दिया होगा, एकदम सोच भी लिया, लेकिन रेस्ट जो अभी भी ये रीडिंग देख रहे हैं और सोच रहे हैं, अगर आप अभी भी डिवाइन के हवाले कर देते हैं, तो आप एक बहुत अच्छा और नेक काम करेंगे, क्योंकि वही एक है जो आपको इस एनर्जी, इस सिचुएशन से बाहर लेकर आ सकते हैं. तो उसके लिए आपने करना क्या है, यहाँ पे बहुत क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है प्लांटिंग, और प्लांटिंग भी किसकी करनी है, गार्डनिंग किसकी करनी है, फ्लावर्स की. आपने फ्लावर्स की एनर्जी से कनेक्ट होना है, अपने आसपास अपनी फ्लावर्स कुछ लगाइए, और प्लीज़ यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होइए, और अननेसेसरी अभी जो वरीज चल रही हैं उन सबको हमेशा के लिए त्याग दीजिए. जी जब आकर हम कोई काम अगर हमसे हो ही नहीं रहा है, तो अगर बेटर है ना हम उसके लिए किसी और की हेल्प ले लें, और डिवाइन से बेटर कौन आपकी हेल्प कर सकता है आज इस सिनेरियो में. सो जब आप लोगों ने सरेंडर टू स्प्रिट किया है कि मैंने अपने सिचुएशन सिनेरियो को सरेंडर करना ही है, सो प्लीज़ आप देर मत करिए और अपनी सारी वरीज और सिचुएशन इनको दे दीजिए. एंड नाउ योर गाइडेंस इज क्रिएटर. वाओ, सच अ लवली कार्ड. सो सी गाइस, आप लोगों को यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है कि जो भी सिनेरियो और सिचुएशन है उसके लिए, अगेन देखिए कितना ब्यूटीफुल और क्लियर मैसेज है कि आपने क्या करना है, मेडिटेशन करनी है, मीन्स प्रेयर करनी है. अगेन अपने गॉड गॉडेस आर्क एंजल्स को बुलाना है. यू हैव अ वेरी क्रिएटिव पावर, आप सबके पास बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं आपने वो एनर्जी अपने अंदर अंदर दबा के रखी हुई है. सो प्लीज़ उस एनर्जी को बाहर निकालिए, प्लीज़ डिवाइन के साथ कनेक्ट होइए. और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक और बहुत कॉमन चीज़ दिख रही है जो सरेंडर में भी थी, यहाँ पर भी एक बहुत ब्राइट येलो लाइट है.
यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट येलो लाइट आ रही है, वो भी स्टमक में। सो अभी मुझे इस येलो लाइट से ये भी कनेक्शन हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों की लाइफ में सिनारियो और सिचुएशन चल रहे हैं, उसमें बहुत सारे आप लोग ऐसे हैं जिनको स्टमक के इश्यूज हो सकते हैं। यस फ्रेंड, आप में से बहुत सारे लोग जो इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको स्टमक के इश्यू हो सकते हैं। ये नॉर्मल गैस्ट्रिक हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है कि आप में से किसी को स्टमक इन्फेक्शन हो, और इट कैन बी एनीथिंग और एनीथिंग रिलेटेड विद स्टमक। मीन स्टमक में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनसे रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम और सिनारियो सिचुएशन है जिसके कारण आज आप लोग टेंशन में हैं। अगेन यही कहूँगी, उस टेंशन का जो सॉल्यूशन है वो डिवाइन मैजिक ही है। मीन्स आपको मेडिटेट करना है, आपने प्रेयर करना है, एंड देन यू विल फाइंड योर सॉल्यूशन। एंड यहाँ पे जो एंजल मैसेज आया है वो आया है क्लियर योर स्पेस। आर्क एंजल जोफियल का मैसेज आया है। सो आर्क एंजल जोफियल जब भी आती हैं वो हमेशा हमें यही बताती हैं कि देखिए, एक और बहुत कॉम अच्छी बात है, जैसे अभी हम स्टमक की बात करते हैं और आर्क एंजल जोफियल भी हमारे सोलार चक्र की आर्क एंजल है। मीन्स टमी की आर्क एंजल है, हमारे पूरे टमी के ऑर्गेन्स का और हमारी क्रिएटिविटी का ध्यान रखती है। और यहाँ भी मैंने बोला था आप लोग बहुत क्रिएटिव हैं, और यहाँ पे आर्क एंजल जोफियल आए हैं और ये आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपके आसपास जो भी सिनारियो और सिचुएशन है, इफ़ यू वॉन्ट 100% सोल्यूशन, 100% मीन्स 100% सोल्यूशन, तो आपने अपने आसपास का जितना भी स्पेस है उसको मैनेज करना है। मीन्स जो भी क्लटर हुआ पड़ा है, जो भी खराब चीज़ें हैं, उनको अच्छे से नीट एंड क्लीन करिए, जिससे वहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटिफुल अच्छी एनर्जी आ पाए और यही एनर्जी आपकी हेल्प करेगी। सो ये स्पेस आपका वर्क स्पेस भी हो सकता है, आपका रूम भी हो सकता है, आपका वार्डरोब भी हो सकता है। तो यू हैव टू चेक, स्पेशली अपने घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर को चेक करिए, अपने ऑफिस डेस्क का साउथ वेस्ट कॉर्नर चेक करिए कि वो बिल्कुल साफ सुथरा तो है। ऐसा तो नहीं कि कहीं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो चुकी है जमा, या फिर वहाँ पे चीज़ें अच्छे से नहीं रखी है। इफ़ येस, तो प्लीज़ मेरा सजेशन है कि एंजल्स आपके साथ तभी बहुत अच्छे से काम कर पाएंगी जब आप उनके लिए स्पेस को क्रिएट करेंगे। सो जस्ट मेक अ ब्यूटिफुल स्पेस, उस एरिया की एनर्जीज को क्लीन करिए जिससे वो आपकी आकर हेल्प कर पाए। सो दिस इज ऑल फॉर पाइल वन। नाउ आई एम क्लोजिंग अ रीडिंग फॉर यू गाइस। सो वेलकम पाइल टू, हुमसोएवर सरेंडर स्ट्रेस एज अ पाइल टू सेकेंड ऑप्शन। सो बेसिकली गाइस, वंस अगेन आई विल टेल यू कि आपके जितना भी लाइफ में इस वक्त जिस भी सिचुएशन और सिनेरियो के कारण आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ चुका है, सिंपल एक सबसे पहले एक सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगी, योगा की डीप इनहेल और एक्सहेल करिए। जितना ज़्यादा डीप इनहेल एक्सहेल करेंगे उतना ज़्यादा बॉडी में ऑक्सीजन आएगा, और जितना ज़्यादा बॉडी में ऑक्सीजन आएगा उतना ज़्यादा प्राण शक्ति इंक्रीज होगी। मीन्स लाइफ एनर्जी फोर्स इंक्रीज होगा, और ये एनर्जी फोर्स आपके स्ट्रेस को दूर करने में आपकी हेल्प करेगा। सी, जब तक हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है तभी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से दब जाते हैं। सो इफ़ यू वॉन्ट 100% कि आपकी लाइफ में जो भी सिनारियो है उसका आपको अगर सोल्यूशन चाहिए उस स्ट्रेस को रिमूव करना है, सो फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू डीप इनहेल और एक्सहेल। और इसके लिए कोई स्पेसिफिक समय नहीं है। यस, अर्ली इन द मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम, बट आप आफ्टरनून में, रात में सोने से पहले कभी भी कर सकते हैं। सो चलिए अब मैं आप सबके कार्ड्स ओपन करती हूँ। ओके, सो यहाँ पे पेंटिकल आया है पेज का। सो गाइस, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है, ओके, एंड पेज की एनर्जी है पेंटिकल के साथ, और यहाँ पे बहुत सारी आप जैसे देख रहे हैं बुक्स। सो यहाँ पे इन बुक से एक जो सबसे पहला मैसेज आ रहा है कि अगर आपको अपना स्ट्रेस रिलीज करना है उसके लिए आपके पास एक और ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है कि आपको बुक्स की एनर्जी से कनेक्ट होना है। यस, बुक्स मींस नॉलेज,
मीन्स विजडम, आपको नॉलेज और विजडम चाहिए अपने आप को स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, यहाँ इनको अपने बेस्ट फ्रेंड्स बनाएंगे, क्योंकि ये हमेशा आपको नॉलेज देंगे, आपको सॉल्यूशन देंगे और कभी भी आपको चीट या मिसगाइड नहीं करेंगे। सो आपके लिए स्ट्रेस बूस्टर का यहाँ पे जो एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि आप इवन आपको ये देखिए जिस कितनी शांति से ये पर्सनैलिटी बैठी है अपने फेस के ऊपर, इतना ब्यूटीफुल तरीके से हैंड रखा है, और यहाँ पे ये एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि अगर आप अपने स्ट्रेस को सरेंडर कर देते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इफ़ यू विल कनेक्ट विद द बुक्स एनर्जी। मीन्स अगर आप इस विद्या के साथ दोस्ती करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, तो आपको सोल्यूशन ज़्यादा आसानी से मिलेंगे, अपने सारी चीज़ें आप इनसे शेयर कर सकते हैं। लेट्स ओपन योर सेकेंड कार्ड। लवर्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, मींस यहाँ पे जो एक एनर्जी आई है ये आर्कएंजल रेफियल भी है, देखिए कितना ब्यूटीफुल हार्ट है, और आर्कएंजल रेफियल यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज देता है, वो मैसेज देता है कि हमारा जो भी स्ट्रेस का कारण है जो हमारी बॉडी में आ चुका है वो इसको हील कर देंगे, क्योंकि ये हार्ट के भी एंजल है। सो कहीं ना कहीं इस वक्त मैं इस चीज़ से भी कनेक्ट हो पा रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जिनको भी स्ट्रेस है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस वक्त दुखी हैं अपने सिनारियों से, अपने सरकमस्टांसेस से, अपने प्रॉब्लम से, और दिल से दुखी हैं, दिल से सोल्यूशन चाहते हैं, और बहुत सारे लोग शायद दिल से रो भी रहे हैं। जी हाँ, जो मुझे फीलिंग आ रही है, जो मुझे एंजल्स गाइडेंस दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैं आपको मैसेज दे रही हूँ कि प्लीज़ अपने आप को अकेला मत समझिए, आपके जो भी आपके स्पाउस है, आपके जो भी पार्टनर हैं, उनके साथ भी आपका जो कनेक्शन होगा वो प्लीज़ उसको और स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि जब आप दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे सो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी निकलेगा। और यहाँ पे एंजल मैसेज तो आ ही रहा है, आर्कएंजल रेफियल तो खुद ही आकर आपको बोल रहे हैं कि यू विल ब्लेस। देखिए उनका हाथ किस तरह से आप लोगों के ऊपर आ रहा है, मीन्स उनकी डायरेक्ट आशीर्वाद आपके पास आ रहा है, और वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि स्ट्रेस मत लीजिए, अननेसेसरी अपने दिल को मत दुखाइए, आई एम विद यू। एंड योर लास्ट थर्ड कार्ड। सो यहाँ पे कार्ड जो आया है ये एट ऑफ पेंटकल का कार्ड आया है, और ये कार्ड क्या दिखाता है, ये भी लर्निंग को दिखा रहा है। देखिए यहाँ भी लर्निंग आई थी, रीडिंग आई थी, और यहाँ भी अगेन लर्निंग और रीडिंग आ रही है, न्यू स्किल्स आ रहे हैं, क्योंकि आप जब किताबें पढ़ेंगे, नॉलेज लेंगे, तो न्यू स्किल्स तो आप लर्न करेंगे ही करेंगे, और यही स्किल्स आपको सॉल्यूशन देंगे, यही स्किल्स आपके स्ट्रेस को दूर करेंगे। यस फ्रेंड, यही स्किल्स होंगे, नए स्किल्स जो आपको लर्न करने ही करने हैं। दिस इज द राइट टाइम टू लर्न एंड गेन न्यू नॉलेज। यू कांट स्टॉप, यू कांट थिंक, अब आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं फिर कभी कर लूँगा, अभी टाइम नहीं है, या बाद में देखूँगा, अभी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पे फोकस करता हूँ। नो, दिस इज अ राइट टाइम, बिकॉज एंजल्स यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली मैसेज दे रहे हैं, और उनका मैसेज में एक और बात है। देखिए जैसे यहाँ पे मेल और फीमेल का हाथ दिख रहा है, यहाँ भी मेल और फीमेल दोनों एनर्जीज है, मीन्स मिलकर काम करना है, कोई भी काम अकेले नहीं करना है। जिनकी अभी शादी नहीं हुई, आप किसके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, ओके, अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ, किसी ना किसी के साथ मिलकर रह कर काम करना है, अकेले नहीं करना है, उनकी भी हेल्प लेनी है, गाइडेंस लेनी है, डेफिनेटली। और कहते हैं ना, एक से भले हमेशा दो, एक और एक 11 होते हैं। सो इसी तरह मिलकर अगर आप दोनों लोग आगे बढ़ेंगे तो जो भी स्ट्रेस है फैमिली में या लाइफ में, वो स्ट्रेस 100% दूर हो जाएगा। एंड योर गाइडेंस इज सक्सेसी, कितना अच्छा मैसेज आया है, और ये सक्सेस क्या दिखा रहा है कि जो भी स्ट्रेस है डेफिनेटली, अब मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि वो स्ट्रेस की को जो रीज़न है वो बहुत ही सॉलिड होगा, बहुत ही बड़ा रीज़न होगा, क्योंकि वो कोई छोटा नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉयन की एनर्जी है, लॉयन की एनर्जी शेर बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत विशाल होता है, ठीक है। तो आपका प्रॉब्लम भी ऐसा ही कुछ बहुत बड़ा होगा, लेकिन आप इंजॉय कर रहे सक्सेस, आप कहाँ बैठे, उसके ऊपर बैठे, मीन्स
अगर आप अपने स्ट्रेस को सरेंडर कर देंगे, न्यू लर्निंग, न्यू क्रिएटिविटी लर्न करने की कोशिश करेंगे, न्यू नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली लाइफ में सक्सेस आएगी ही आएगी। एंड ये सक्सेस आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ भी लाएंगी। एंड नाउ योर लास्ट मैसेज, पैशन। सो देखिए कितना ब्यूटीफुल तरीके से सारे कार्ड अपने आप एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, और समटाइम्स ये मुझे बहुत शॉक्ड और सरप्राइज भी लगता है। और यहाँ पे पैशन आया, मीन्स पैशन वो कि आप जो भी नॉलेज चाहते, जिसको इतने सालों से महीनों से दबाकर बैठे हुए थे कि मैं लर्न करूँगा या मैं सीखूँगा, उसको आप भूल गए हैं। और यहाँ पे भी वही मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ ट्रस्ट करिए और अपने पैशन को फॉलो करिए, क्योंकि यही पैशन है जो आपके लाइफ के लाइफ में प्लस आपके हो सकता है आपके करियर को भी एक नया गोल दे, एक नया पर्पस दे, एंड देन यू विल गेट लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ जॉय एंड लॉट्स ऑफ पीसफुल एनर्जी इन योर लाइफ। सो बेसिकली नॉलेज तो डेफिनेटली यस गाइस, कि आप लोगों ने नॉलेज लेनी ही लेनी है, नॉलेज को अर्न करना ही करना है। सो प्लीज़ रिमूव योर स्ट्रेस फ्रॉम योर हार्ट, अपने हार्ट से, अपने बॉडी से, अपने माइंड से अपने स्ट्रेस को हमेशा के लिए निकाल देंगे। कनेक्ट विद द डिवाइन पावर एंड एनर्जी, डू लिटिल इनहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, एंड देन जस्ट रेडी फॉर न्यू लर्निंग, न्यू एक्सपीरियंस, एंड डेफिनेटली यू विल रिमूव योर स्ट्रेस, एंड डेफिनेटली स्ट्रेस विल रिमूव फ्रॉम योर लाइफ फॉर एवर। So this is all for pile 2 reading. Now I'm closing the reading. So whomsoever surrender to prayer means आप सपने, जो भी आपका सिनेरियो चल रहा है, सिचुएशन चल रही है, और आपने पहले ही सोच लिया है या फिर आपने प्रेयर्स करनी स्टार्ट कर दिए है या प्रेयर्स को अपने आप सरेंडर कर दिया है, यहाँ पे सिंपल गाइडेंस यही आ रही है कि यस, आपने अपनी जो प्रेयर्स है, अगर आप सब अपने प्रेयर दिल से करते हैं, इंस्टेंट जस्ट बोलने के लिए नहीं बोलते, उसको दिल से करते हैं, तो आपकी प्रेयर डेफिनेटली आंसर होगी। क्यों? क्योंकि दिल की आवाज़ सबसे पहले कहाँ जाती है? डिवाइन तक जाती है, और डिवाइन और यूनिवर्स आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करेगा। आपके सारे जो भी प्रेयर्स है वो आंसर होगी, आपके लाइफ में आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट ज़रूर आएगा। सो नाउ आई विल ओपन योर कार्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स आई हैं, एंड यहाँ पे ये एक बात मुझे बहुत बताया जा रहा है कि यस फ्रेंड्स, अभी जो आपकी लाइफ में करंट पास्ट था, मीन्स अभी जो पिछले कुछ दिन, कुछ हफ्ते और कुछ महीने गए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन वाले गए हैं। मीन्स उनके कारण आपका बहुत ज़्यादा लाइफ में इमोशनली, स्पेशली इमोशनली बहुत अप एंड डाउन हुआ है, और कहीं ना कहीं सिचुएशन और सिनारियोस को हैंडल करने में भी प्रॉब्लम आई है। सो दैट्स व्हाई यू स्टार्ट डूइंग प्रेयर्स, इसलिए आपने प्रेयर्स का सहारा लिया है। और अगर आप देखें फ्यूचर, ये फ्यूचर है, ये हमारा पास्ट है, जहाँ पे स्वॉट मीन्स कितना पानी, एक तो इमोशंस को दिखा रहा है, और उसमें भी किस से बोट चल रही है, स्वॉट से चल रही है, मीन्स कितना डिफिकल्ट सिनेरियो आपने पास किया। बट गुड न्यूज़ इज, अगर आप प्रेयर्स करते हैं, अगर आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी सुबह, एक बहुत ही अच्छी रोशनी, एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर आप सबका वेट कर रहे। सी पास्ट कैसा था, कितना काला अंधेरा, कितने अप एंड डाउन है, कितना इश्यूज इमोशनल आपने अप एंड डाउन किया, बट फ्यूचर कितना शांत और कितना ब्यूटिफुल, यहाँ पे हमें स्काई भी दिख रहा है। सो डेफिनेटली यू विल अचीव, यू विल डेफिनेटली गो, एंड यू विल डेफिनेटली गेट लव, पीस, हार्मोनी, एनर्जी इन योर लाइफ। नाउ योर सेकेंड कार्ड। सो यहाँ पे अगेन जो डिवाइन बोल रहा है कि यस गाइस, आप लोग प्रेयर्स तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पास्ट में लॉसेस हुए हैं इमोशनली, स्पेशली आपकी लाइफ में जो लॉसेस हुए हैं अभी नियर पास्ट में, वो इमोशनली हुए हैं, उनके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रेकडाउन हुआ है,
थोड़ा स्ट्रेस आया है लाइफ में, क्योंकि आपने उन चीज़ों के लिए जो भी सिनारियो थे, सिचुएशन के लिए थी, उनके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। एंड कहीं ना कहीं जब आपने बहुत मेहनत करी और अभी जब हमें वो आंसर नहीं हो पाया, वो उनमें से कुछ चीज़ें आपके हाथ से फिसल गई हैं, कुछ चीज़ें लूज़ हो चुकी हैं, सो उसके कारण आपको इमोशनली सेटबैक लगा है, आपको धक्का लगा है और इमोशनली आप डाउन हुए हैं। सो जस्ट मैं यहाँ पे आपको यही मैसेज दूंगी जो डिवाइन दे रहा है। देखिए यहाँ पर भी ये प्रेजेंट सिनारियो को ही दिखा रहा है कि पास्ट देखिए कैसा स्काई है, प्रेजेंट में कितना क्लाउडी और क्लाउडी मीन्स व्हाट, अभी रेस्ट नहीं हुआ, अभी पीस की एनर्जी नहीं मिली है। सो प्लीज़ अलाउ डिवाइन, प्लीज़ अलाउ एंजल्स, प्लीज़ अलाउ गॉड एंड गॉडेस टू हेल्प यू, कि वो आए और वो आपकी हेल्प करें और वो जो आपके इमोशन लॉसेस हुए हैं वो उनको टेक केयर करें, वो उनको पूरा करें, जिससे आप अपनी आगे की लाइफ बहुत अच्छे से जी पाए। एंड योर नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है गाइज। सो यहाँ पे जो सिंपल मैसेज आ रहा है वो एक बहुत ही सेंसिबल अप्रोच है, कि मीन्स आपने अपने लाइफ में, क्योंकि अब आपने स्टार्ट कर दी प्रेयर, स्टार्ट कर दी अपनी प्रॉब्लम सिनारियोज को डिवाइन को दे दिया, सो ये एक आपने बहुत सेंसिबल अप्रोच लिया है और इसके लिए वो आपको सिंपल एक ही मैसेज दे रहा है दैट यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। येस यू लव योर फैमिली, येस यू लव योर होम, बट जितना ज़्यादा आप लाइफ में प्रैक्टिकल होंगे उतनी जल्दी आपकी प्रेयर भी आंसर होगी। सो जस्ट प्रे एंड प्रे अ लॉट। एंड आपके लिए जो मैसेज आया है यहाँ पे वो देखिए, अगेन यहाँ पे हम सरेंडर टू प्रेयर की बात कर रहे हैं और जो कार्ड आया है स्ट्रेस का कार्ड आया है, मीन्स आप देखिए यहाँ पे भी कितनी सारी लाइट्स और इन लाइट्स के साथ आप लोग क्या कर रहे हैं, जगलिंग, लाइट्स के साथ जगलिंग, किसका हाथ जलेगा, आप ही का हाथ जलेगा। इतना स्ट्रेस, इतना प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन के साथ कनेक्ट करिए, प्लीज़ अपने वर्कलोड को थोड़ा सा डाउन करिए, अपने माइंड को, अपने हार्ट को थोड़ा रिलैक्स दीजिए, क्योंकि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा बर्डन में है, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है। तो प्लीज़ इस एनर्जी को कट करिए, जस्ट फोकस ऑन योर प्रेयर, अपनी प्रेयर पे फोकस करिए एंड डेफिनेटली यू विल कट योर सिनारियो एंड सिचुएशन। एंड यस डेफिनेटली अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सनसाइन, ब्यूटिफुल सनरेज विल डेफिनेटली कम इन योर लाइफ। एंड आर्कएंजल रेगुअल आए हैं यहाँ पे, डिवाइन ऑर्डर आ रहा है आपके लिए गाइस। सी यहाँ पे जो सिंपल आर्कएंजल रेगुअल आपको मैसेज दे रहे हैं वो सिंपल एक ही मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में जो भी सिनारियो थे, सिचुएशन थे, वो एक डिवाइन पर्पस के कारण थे। आपको एक आपके वो सारे सिचुएशन एंड सिनारियो बेसिकली आपके लाइफ के एक लेसन थे जो आपको लेना ही था और आपको लर्न करना ही था, और ये लेसन आपको फ्यूचर के लिए सिखाए जा रहे हैं। सो बेसिकली आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। सो प्लीज़ डोंट टेक टू मच ऑफ टेंशन, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ बहुत अच्छे से जानता है। सो प्लीज़ लेट देम अलाउ, इनको अलाउ करिए कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट काम कर पाए। एंड व्हाट यू नीड, यू हैव टू जस्ट प्रेयर करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट होना है, उनसे दिल से प्रेयर करनी है। जितना ज़्यादा आप उनसे दिल से प्रेयर करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी प्रेयर आंसर हो जाएगी। So this is all for pile 3. Now I'm closing a reading for all of you guys. So thank you friends. This is all for this week reading. और अब मैं आप सबसे सिंपल एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने व्यूज और सजेशन मुझे नीचे लिखे बिलो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल हीलिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट
to share my video with your family members, your friends and your loved ones too. So now I'll take a leave. अब मैं आपसे इस हफ्ते के लिए लीव ले रही हूँ एंड देन आई विल कम एंड मीट यू नेक्स्ट वीक. टिल देन थैंक यू, बाय, सी या, टाटा.